आज हम लोग अनरियलाइज प्रॉफिट को सीखने जा रहे हैं। अनरियलाइज प्रॉफिट जिसका ट्रीटमेंट बहुत ही आसान है और एग्जाम में बार बार लगातार हर बार बोल सकते हैं आप लोग, आते रहता है। तो इसको सीखने के लिए ना आपको थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। ये ट्रीटमेंट बहुत ही आसान है, लेकिन वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। सबसे पहले क्या करना है, आपको सवाल खुद पढ़ना है, पढ़ने के बाद खुद सॉल्व करना है, और जब दिक्कत आएगा ना तब वहाँ से कंटिन्यू देखना है, और जहाँ नहीं समझ में आए वहाँ रुक जाना है मेरे भाई। तो पहले खुद से सॉल्व करो। देखो सवाल दिखाई दिया बाबू लोग आपको, नहीं रुक जा, आए देखो आ गया सवाल, अब सॉल्व कर लिया होगा, पढ़ के सॉल्व कर लिया ना। हाँ बहुत अच्छा, वीडियो को रोक के सॉल्व करना भाई, कर लिया। हाँ अब हम लोग पढ़ेंगे। मान के चल रहे हैं कि आप लोग जितना सके उतना सॉल्व कर दिए पढ़ के। हाँ अब समझाते हैं। बोला एक मॉडर्न इंजीनियरिंग वर्क होता है जो बिजनेस को कंटिन्यू कैरी करता है दो डिपार्टमेंट के साथ। एक डिपार्टमेंट का नाम है भैया रॉ मटेरियल, तो दूसरे का नाम है मैन्युफैक्चरिंग। बोला फिनिश गुड्स पूरा का पूरा बन के सामान रेडी करता है मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, और मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट को जो भी रॉ मटेरियल का जरूरत पड़ता है ना वो रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट से मंगवा लेता है, बाहर से नहीं मंगाता, रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट से मंगाता है, ऐसा ये लोग बताया ऐसा। इसके बाद बोला सर जो रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट है ना जो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट को सामान देता है, गुड्स देता है, वो सेलिंग प्राइस पे देता है। अरे पट्टा, सेलिंग प्राइस का मतलब ये हुआ, इसका मतलब है कस्टमर को जैसे सामान ही बेचते हैं मार्केट रेट पर वही रेट पर देता है अपने भी डिपार्टमेंट को। वाह बहुत चालू है। तो अब लफड़ा शुरू होगा। ये लाइन लिखने का मतलब, इसका मतलब हुआ रॉ मेटल डिपार्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट को कॉस्ट पे सामान नहीं देता, प्रॉफिट जोड़ के देता है, और इसी प्रॉफिट को बोलते हैं अनरियलाइज प्रॉफिट। इसी प्रॉफिट को क्या बोलते हैं, अनरियलाइज प्रॉफिट, जो एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को कॉस्ट में ना देकर प्रॉफिट जोड़ के सामान दे, उस प्रॉफिट का नाम है अनरियलाइज प्रॉफिट। अब ध्यान से समझना भाई, सर कोई डिपार्टमेंट ऐसा क्यों करे, अपना ही डिपार्टमेंट को कॉस्ट में क्यों नहीं माल दिया, सेलिंग प्राइस पे क्यों दिया? भाई अगर आप जानना चाहते हैं ना तो पहले वीडियो को लाइक ठोको, कमेंट करो, वीडियो को अपने अपने सोशल मीडिया जहां भी यूज किया वहां पर स्टेटस में लगाओ। आपका भाई इसके लिए अलग से वीडियो बनाएगा, नहीं तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा कि आखिर एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को सेलिंग प्राइस पे माल क्यों देना चाहता है, अपना ही तो घर का आदमी फिर भी देना क्यों चाहता है, कारण क्या है? कारण जानना है, कमेंट लिखना, आपका भाई जरूर लेके आएगा वीडियो इसके ऊपर। और नहीं तो सिर्फ ट्रीटमेंट सीखना है तो ये वीडियो देखो, अनरियलाइज प्रॉफिट का ट्रीटमेंट सीख लेगा एग्जाम के लिए। रीजन जानना चाहता है तो कमेंट करना मेरे भाई। चलो अब बोला इसी आधार पर आप ट्रेडिंग पीएल बनाइए। हमने ठीक है सर, कोशिश करेंगे। हाँ नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है सर जी। हमने ठीक है सर, हम लोग कर लेंगे। अच्छा सर खाली थोड़ा सा हेल्प कर दीजिए, परचेज के नीचे सर देखिए ना एक लिखा हुआ है, परचेज के नीचे रॉ मेटेरियल ट्रांसफ़र टू, दिखाई दिया आप लोगों को? हाँ रॉ मेटेरियल ट्रांसफ़र टू, कितना 60,000 का। इसको क्या करें, ये ना इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र, याद है बोला था रॉ मेटेरियल डिपार्टमेंट जो है मैन्युफैक्चरिंग को माल भेजेगा, इसका मतलब ये रॉ मेटेरियल डिपार्टमेंट के लिए ये 60,000 हो गया सेल्स, क्या हो गया सेल्स, और मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या हो गया परचेज। बहुत अच्छा, हाँ हम समझ पाए आप लोग क्या हमसे पूछना चाहते हैं। कुछ स्टूडेंट पूछ रहा है सर इसके पहले जब आप क्वेश्चन करवाए थे ना तो यही अमाउंट जानते हैं, जैसे 60,000 इसमें लिखा है ना वो लिखा रहता था मैन्युफैक्चरिंग वाले में, इस बार रॉ मेटेरियल में लिख दिया ना, इसीलिए हमारे मन में कन्फ्यूजन आ गया। तो भाई देख ऐसा वो लोग कंफ्यूज करने के लिए कोशिश करेगा, लेकिन अमाउंट कहाँ लिखा उससे ज़्यादा अब मैटर कर रहा है यहाँ पर लाइन पर, कि लाइन क्या बोल रहा है, लाइन तो ऊपर ही बोला था ना कि रॉ मेटेरियल डिपार्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग को माल भेजेगा, तो जो माल भेजेगा उसके लिए सेल्स है और जिसके पास सामान आएगा उसके लिए परचेज है। ठीक सर, अब बोला सर देखिए कुछ नीचे इन्फॉर्मेशन दिया है सर, देखिए ना एक तो लाइन ब्लैंक हो गया, अरे ब्लैंक नहीं क्या हुआ ना, वो पूरा लाइन था रॉ मटेरियल ट्रांसफर टू मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, तो ये लाइन हो तो भाई 20 से उड़ा दे भाई तब समझ में आ जाएगा, इसीलिए अमाउंट नहीं लिखा हुआ था, हो जाता है। अच्छा सेल्स लिख लेंगे सर। अच्छा मैन्युफैक्चरिंग का खर्चा कहाँ दिया है, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग में क्यों दिया पता है, तो उसी में जाएगा,
कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग में कि पीएल में? वेरी गुड, ट्रेडिंग में। एक सवाल में बताए थे, कराए थे, ठीक है सर। सर सेलिंग क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा। अब नीचे एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। हाँ बोला सर, इट इज एस्टिमेटेड डेट, हम लोग अंदाजा लगाते हैं कि द कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक का जो कॉस्ट है ना, इन द हैंड्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, जो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है उसके हाथ में बात करें तो। सुनना, यहाँ तक बाद में पढ़ते हैं, पहले जितना पढ़ा ना वहाँ तक कर ले, जो ऊपर तक पढ़ाए वहाँ तक खुद से कोशिश कर, बना, चेक कर हुआ कि नहीं। हम आशा करते हैं कि कर लिया होगा, अब पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। हाँ, इट इज एस्टिमेटेड दैट द कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, सर जो कॉस्ट है ना क्लोजिंग स्टॉक का, इन द हैंड्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में कंसिस्ट ऑफ 80% फॉर रॉ मटेरियल, 20% फॉर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। सर क्या बोल रहा है सर जी, नहीं समझ में आया, ठीक है, आपका भाई समझाएगा, अभी घबराना मत मेरा बेटा, हम समझाएंगे, छोड़िए सब काले का। नीचे देख, कहीं लिखा होगा ऐसा, एडमिनिस्ट्रेटिव का खर्चा लिखा है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। सर दो ठो दिया एडमिनिस्ट्रेटिव का खर्चा, एक दिया सैलरी तो दूसरा दिया इंश्योरेंस प्रीमियम। तो हम सबसे पहले थोड़ा इंश्योरेंस प्रीमियम के ऊपर बोलते हैं। इंश्योरेंस भाई दो चीज का नॉर्मली होता है, एक एसेट्स का। तुम पूरा क्वेश्चन पढ़ा, कहीं पर एसेट्स दिखाई दिया नहीं, एसेट्स देता तो हो सकता है कि एसेट्स का इंश्योरेंस हो सकता था ना भाई, हो सकता है कि नहीं? हाँ सर, एसेट्स का इंश्योरेंस। और एसेट्स का इंश्योरेंस होता ना तो हम लोग ना वैल्यू ऑफ एसेट्स, मैंने एसेट्स का कीमत कितना है उसका रेशियो निकालते हैं, रेशियो निकाल के दो डिपार्टमेंट में बांट देते हैं। अच्छा सर, लेकिन इस पूरे क्वेश्चन में एसेट्स का रेशियो था ही नहीं। हाँ पहला बात। दूसरा, स्टॉक दिया है क्या क्वेश्चन में? हाँ सर, ओपनिंग भी है क्लोजिंग भी है। स्टॉक मीन्स गुड्स, क्या गुड्स का इंश्योरेंस नहीं होता है? होता है भाई, कल को मेरा माल जल गया गोडाउन में, आग लग गया तो लॉस कौन देगा, तो उसका हम लोग इंश्योरेंस करवा के रखते हैं। अच्छा सर, इसका मतलब ये जो इंश्योरेंस का खर्चा दिया है ये स्टॉक का है। सर कौन सा स्टॉक का, मैंने कौन सा गुड्स का, ओपनिंग स्टॉक कि क्लोजिंग स्टॉक? ना भाई, इंश्योरेंस तो होता है सिर्फ गुड्स का होता है, ओपनिंग और क्लोजिंग बोलकर नहीं होता है। तो हम लोग ना क्या करेंगे पता है, हम लोग एवरेज स्टॉक निकालेंगे और एवरेज स्टॉक निकाल कर उसका रेशियो निकालेंगे और उसका रेशियो निकाल कर इस इंश्योरेंस के खर्चा को पीएल में, पीएल अकाउंट में बांट देंगे। तो चलो, ओपनिंग स्टॉक पता है, क्लोजिंग भी पता है, इसका रेशियो निकालते हैं। क्या होगा भाई एवरेज स्टॉक का, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई टू करो, कितना है 60,000, 40,000। हाँ सर, इसमें कितना है सर, 10,000 ओपनिंग, क्लोजिंग है 12,000। देखो बगल में फार्मूला भी लिख दिए हैं। हाँ तो सर इधर हो गया 50,000 भाई, जोड़े ऊपर में, ले यार ले, 1,00,000 आया। कहाँ बोले भाई, तू लोग भी हद है। हाँ 22,000, अब 2 से काटो, काटो ना, कितना है 50,000 × 11,000, ऐसे लिख सकते, तीनों जीरो काट दिए, 50:11 हो गया रेशियो। इसमें बांट देते हैं कितना था खर्चा के। सर खर्चा है आपका 800 रुपया इंश्योरेंस का, तो लो 800 लिख दिए सर, बांटिए, बांटने आता है ना, कितना हुआ ऊपर में, ऊपर में कितना भाई 50/61, नीचे 51:11/61 61 बांट दो, जो अमाउंट आएगा उसको पीएल में लिख देना। हम निकाल लिए थे अमाउंट, निकाल के पीएल में बांट भी दिए, आप लोग बांट दीजिए, ठीक है सर। सर देखिए, और इंश्योरेंस के बगल में ध्यान दीजिए ना एक बार, सैलरीज भी दिया हुआ है, तो सैलरी तो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ स्टाफ पर, कहीं नंबर ऑफ स्टाफ है ना? सर नहीं है, तो जब आपको समझ में ना आए ना तो आप सेल्स रेशियो में बांट दीजिएगा, सेल्स रेशियो में, ठीक है, सेल्स रेशियो में आपको बांट देना है, ठीक है सर।
और नीचे देखिए कुछ हिंट्स दिया हुआ था, अगर आप लोग नीचे का दिया हुआ हिंट्स पढ़ते हैं ना, देखो ना नीचे ग्रॉस प्रॉफिट के बाद बहुत लंबा चौड़ा लाइन उन कुछ लिख लिख के दिया था ये लोग कैसे क्या करना है, तो आपको हेल्प करता भाई वो हिंट्स। हम नहीं बोलते कि आप एक्सपर्ट हो जाते, अच्छा है, जो नहीं देखा वो भी अच्छा काम किया, लेकिन जो देखता है उसका थोड़ा जल्दी बन जाता, और कोई बात नहीं है। ठीक है सर, अब बाकी क्या रह गया, सिर्फ एक अनरियलाइज्ड प्रॉफिट भाई बाकी रह गया, वो क्या है समझाते हैं, देख घटना पर समझाते हैं, ऊपर वाला आएंगे हाँ, क्या बोलना चाह रहा था, बोलना चाह रहा था ना मेरा बच्चा, रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट ने मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट को सामान भेजा था, हम बोले हाँ भाई भेजा था, तो जो भेजा ना सामान, कुछ सामान बच गया नहीं बिका, जिसको बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। थोड़ा अच्छा समझते हैं, थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन हम लोग अच्छा समझेंगे, एकदम ध्यान दीजिएगा, ध्यान से समझिए, बताते हैं भाई क्या हुआ। सपोज ऐसा मान के चलिए, सपोज ऐसा, हम सिर्फ आपको मानने बोल रहे हैं, जो रॉ मेटल डिपार्टमेंट मान लो कि 12,000 का सामान इसको भेजता, ठीक है, कैसे भेजता पता, प्रॉफिट जोड़ के भेजता, ऐसा मान के चलो, मान के चलो कि प्रॉफिट जोड़ कर भेजता, हम सिर्फ मानने बोल रहे हैं भाई, कुछ भी सवाल नहीं सिखा रहे हैं, अभी हम बोल रहे हैं आप समझो, रीजन रीजन समझो, मान ली इसमें कुछ भी प्रॉफिट जो आपको मानना है मन में मान लीजिए, जोड़ के भेजता इसको, ठीक है, तो इसका ये प्रॉफिट होता कि नहीं होता, हाँ सर, जो भी सर प्रॉफिट मानता वो इसका प्रॉफिट हो जाता रॉ मटेरियल का, ठीक है, अपने बुक्स में दिखा देता। अब मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट ना इस साल कोई सामान बेच ही नहीं पाया, कोई सामान नहीं बेच पाया, इस सामान बनाया, अब बनाने के बाद ना अपने पास ही रखा, इस साल सेल नहीं कर पाया किसी कारण से, और इसका भी जो इससे भी जो सामान लेके आया था ना वो भी सामान इसके पास बच गया एज ए क्लोजिंग स्टॉक, तो इसका एक भी रुपया का प्रॉफिट हुआ भाई इस साल नहीं, लड्डू कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, ठीक। अब मान लो मेरा दो डिपार्टमेंट है, एक ये है और एक ये है, दो ही डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंट भी प्रॉफिट नहीं किया, हकीकत में क्या ये डिपार्टमेंट प्रॉफिट किया है, हकीकत में बता हुआ सर, नहीं सर, इस सामान भले उसको भेजा था वो भी मेरा घर का ही आदमी था, और अभी तक माल बिका नहीं है, जब सामान बिका नहीं कस्टमर के पास गया नहीं तो सेल का है का? ये तो ये कहानी हो गया ना, मेरा एक मोदीखाना का दुकान है, दुकान से सामान कुछ निकाल लिए और निकाल के घर पर रखे और उसको खुद खा लिए, खा तो लिए ठीक बात है, तो क्या प्रॉफिट हो गया ना सर, ये कैसा प्रॉफिट सर, जब तक सामान कस्टमर नहीं खरीदेगा ना सर तब प्रॉफिट नहीं हो सकता, ऐसे तो दुकान से सामान घर पे लाके रख देंगे, हम चिल्लाएंगे प्रॉफिट हुआ प्रॉफिट बना, ये गलत है, वही यहाँ पर हुआ है, इसने क्या किया, इस घर से सामान निकाल के इस घर पे रख दिया, और ये घर पे सामान रखा रह गया, धरा का धरा रह गया, सामान नहीं बिका किसी भी कारण से, और हम लोग क्या कर रहे हैं पता, चिल्ला रहे हैं क्या, मेरा इस साल इतना प्रॉफिट कमाए, मान ले ऐसा ये 2,000 ही प्रॉफिट में सामान बेचता, ये 0 प्रॉफिट कमाता, जब इसको हम जोड़ते हैं तो टोटल प्रॉफिट कितना आता, टोटल 2,000, नहीं पता हकीकत में क्या 2,000 का प्रॉफिट हुआ, हुआ ही नहीं सर, लेकिन ये अगर सामान बेच देता ना, ये अगर कस्टमर को बेच देता तब ये प्रॉफिट कहलाता, कितना कहलाता हम सिखाएंगे, लेकिन तब कहलाता, लेकिन जब कोई सामान सर घड़ी पे पड़ा है वो काहे का प्रॉफिट, पहले आता इतना संभाले आप लोग, इतना घबराना मत, हाँ जैसे इसके बाद भी जो वीडियो बनाएंगे ना हम आपको बहुत अच्छा से सिखाएंगे समझाएंगे, घबराइएगा मत बिल्कुल, हम हैं आपका भाई आपके साथ है, हाँ मेरा बेटा एकदम मत घबराना, ठीक है। अब सुन यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर घटनाक्रम क्या हुआ है हम आपको बताते हैं, बोला सर इसका जो क्लोजिंग स्टॉक है ना ये है भाई, लिखने भूल गए थे ऊपर, ये है मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, ये रॉ मटेरियल, हाँ ठीक है सर, इसका 12,000 का सामान बचा हुआ है, किसका, मैन्युफैक्चरिंग का, ठीक है, बोला हाँ है 12,000 का, ठीक है सर, पूछे दिक्कत क्या है, बोला बताते हैं सर जी दिक्कत क्या है, बोला 12,000 का सामान पड़ा हुआ है, हम यहाँ लिखें भाई एक जनरल पीएल अकाउंट बनाकर, क्लोजिंग स्टॉक का पढ़ो सवाल को,
बोला सर फिर से पढ़ते हैं, इट इज एस्टिमेटेड, दिखाई दिया, इट इज एस्टिमेटेड दैट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन द हैंड्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट का जो क्लोजिंग स्टॉक है कंसिस्ट निहित है उसके अंदर है क्या 80% फॉर रॉ मटेरियल। बोला सर सुनिए, ये 12,000 में ना, ये जो 12,000 का सामान है इसमें 80% ना रॉ मटेरियल वाला डिपार्टमेंट का माल पड़ा हुआ है, भेजा हुआ है। ओ अच्छा भाई, ऐसा बात है। बोला हाँ सर जी, तो इसका 80% कितना होता है, ले हमको निकालने का जरूरत नहीं, आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, 9,600 का सामान पड़ा हुआ है, ठीक है। अब आप मेरे को समझाइए, क्या अगला पार्टी जब मेरे को 9,600 का सामान जिसका पड़ा हुआ है वो तो प्रॉफिट जोड़ के भेजा था, हाँ, और जो माल बिका नहीं, हाँ नहीं बिका, नहीं बिकने के कारण झूठा प्रॉफिट पड़ा हुआ है, उसको हटाना है। समझाते हैं कैसे हटेगा, बता रहे। तो एक चीज़ पता चल गया, 12,000 में रॉ मेटेरियल का भेजा हुआ 80% है। अच्छा, अब कुछ स्टूडेंट क्वेश्चन कर रहा है मेरे से, सर 80% के बगल में वो 20% क्या लिखा हुआ है। वो बता रहा है भाई 80% रॉ मेटेरियल का भेजा हुआ सामान है, 20% मेरा है हमारा। तो भाई ये हमको भी पता था, ये नहीं भी बताता तो हम समझ जाते हैं इसका कोई काम नहीं है, मेरे को 80% का ही काम था, हम समझ गए थे वहीं से, 80% उसका है तो 20% मेरा, फिर भी झूठ मूठ कर समझाया, ठीक है। अब उसके बाद क्या लिखा, मत पढ़ना, अभी मत पढ़ना भाई, रुक जा, आपका भाई समझाएगा, उसके बाद पढ़ना मत, नहीं तो कन्फ्यूज हो जाएगा, पूरा कन्फ्यूज हो जाएगा। अब ध्यान से सुन मेरा बात, अब एक बात बता, ये जो रॉ मेटेरियल डिपार्टमेंट है मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट को जब भी सामान बेचता था सेलिंग प्राइस पर, मार्केट रेट पर, तो अब हमको पता करना है कि आखिर ये डिपार्टमेंट ना प्रॉफिट कितना कमाता था, ठीक है। तो इसका रॉ मेटेरियल का इस साल का प्रॉफिट कितना है, देखो ना 80,000, हम बोले हाँ, तो हमने ठीक है सर 80,000 है, हम बोले हाँ भाई एकदम बहुत अच्छा बात है। हम अब दूसरा चीज़ पूछें, बोले भाई तू 80,000 लाया कैसे, ये जो प्रॉफिट कमाया कैसे कमाया, दो उपाय हो सकता है। बोला सर हम बाहर वाले कस्टमर को भी माल भेजे थे, बेचे थे, कितना बेचा था 4,40,000 का, बोले बहुत अच्छा काम किया। हम बोले भाई तो मैन्युफैक्चरिंग को डिपार्टमेंट को भी तो सामान भेजा था 60,000 का, उसमें भी तो प्रॉफिट जोड़ के भेजा था। बोला हाँ प्रॉफिट जोड़ के भेजे थे, तो इसमें जब तुम 80,000 का प्रॉफिट कमाया होगा तो ये वाला भी प्रॉफिट लिया होगा और इसमें भी प्रॉफिट कमाया होगा, दोनों में बेटा प्रॉफिट कमाया होगा। बोला हाँ भाई पकड़ लिया, दोनों में प्रॉफिट जुड़ा हुआ है, इसमें तो रहता ही है, और जब उस डिपार्टमेंट को भेजे थे तो प्रॉफिट जोड़ के भेजे थे। बोले अच्छा सुन, तो इसका मतलब है 4,40,000 का माल तुम सोल्ड किया था प्लस 60,000 का डिपार्टमेंट को दिया था, मैंने टोटल जो 80,000 का प्रॉफिट है ना ये तो 5,00,000 के ऊपर कमाया है। बोला हाँ सर, तो बता रेट ऑफ जीपी कितना हुआ, 16%, ठीक है। अब ध्यान देखो फॉर्मूला क्या बना, डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग में जीपी लिखते हैं ऊपर जो निकालना रहता है, नीचे ये 440 क्या था सेल्स, प्लस ये 60 क्या था इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर, जो ट्रांसफर किया था गुड्स, समझा। लेकिन अगर हम पहले फार्मूला लिख देते ना तो आपको रटना पड़ता, अब आप तो फार्मूला खुद से बना लीजिएगा। हाँ सर जी, तो हम बोले इसका मतलब जब तुम उसको 9,600 का सामान जो पड़ा हुआ है उसके पास, इसमें तुम्हारा 16% का प्रॉफिट है। बोला हाँ सर जी, तो इसको हटाओ, ये झूठा प्रॉफिट है, 9,600 × 16% कितना झूठा प्रॉफिट था, 1,536। तो ऐसे नहीं लिख के ना, डायरेक्ट अगर हम ऐसे लिख देते ना इंटू 16% तब भी काम हो जाता, समझाने के लिए उतना लिखे। अब ध्यान देना, रुक जा, इसका मतलब टोटल प्रॉफिट इतना हुआ था रॉ मेटेरियल इसमें मिलाकर, जिसमें झूठा प्रॉफिट इतना था, तो इसको घटा देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, 2 नेट प्रॉफिट। इतना संभाले बाबू लोग, इतना समझ में आया, बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब ध्यान से सुनना, और अच्छा से ध्यान से सुनना,
ये बता, यहाँ क्लोजिंग स्टॉक का यहाँ पर लिखें, किसका? क्लोजिंग स्टॉक का। तो सिंपल सा बात है सर, ओपनिंग स्टॉक में कोई अनरियलाइज प्रॉफिट होगा तो इधर आ जाना चाहिए। और इस सर जी गजब कैसे निकलेगा, निकलेगा बता रहे कैसे, ध्यान से सुनना। देखो ओपनिंग स्टॉक कितने का है, 10,000 का सर। इसका काहे देख रहे हैं, इसलिए देख रहे हैं, ये ही ना भाई इसको सामान भेजता है। हाँ तो इसका सामान कितना है, 10,000। हाँ रुक जा और बता रहे, रुक रुक रुक। तो इस 10,000 में रॉ मटेरियल का भेजा हुआ कितना का सामान है सर, 80% पड़े थे रहता है, याद करना। 10,000 का जो मैन्युफैक्चरिंग का सामान था डिपार्टमेंट में पड़ा हुआ है ओपनिंग स्टॉक, उसमें 80% रॉ मटेरियल का रहता है, 8,000 इंटू 16% मत लिखना, नहीं लिखना। क्यों? 16% इस साल का था, इस साल का मेरे भाई। ओपनिंग स्टॉक में कौन सा गुड्स होगा, लास्ट ईयर का, पिछले साल का। तुमको पता करना पड़ेगा लास्ट ईयर कितना प्रॉफिट हुआ था, कितना परसेंटेज प्रॉफिट हुआ था। तो देख क्वेश्चन में दिया हुआ है, ध्यान से देखना बाबू लोग, कहीं 10% लिखा होगा, पढ़ो 10% देख कहीं लिखा हुआ है, पढ़ो। दिखाई दिया 10%, और लिखा भी ऐसा, जो 10% है ना वो प्रीसीडिंग ईयर, पिछले साल का ग्रॉस प्रॉफिट है, वो यहाँ पर आएगा। इसीलिए उसमें पढ़ने से बारण कर दिए थे, अगर आप लोग पढ़ लेते ना तो आप कंफ्यूज हो जाते, और हम आप लोगों को कंफ्यूज देखना नहीं चाहते थे। कितना सर ले, 800। अब सर कर लेगा बाबू लोग, तुम लोग यहाँ हो गया टोटल, हो गया ना, कितना आसान था। कोशिश करना पड़ता है मेरे भाई, और आप लोग कभी कोशिश करते नहीं है। कोशिश कीजिएगा तो हर चीज़ संभव है, नहीं कीजिएगा तो हो सकता है थोड़ा कुछ अमाउंट के कारण मैच नहीं कर रहा होगा, ठीक है, तो वो घबराने का बात नहीं है। हाँ मैच इसलिए नहीं कर रहा है, कहीं पर राउंड अप हुआ, बहुत कुछ हुआ है, ठीक है, इसीलिए। तो आप लोग अच्छा से देख लीजिएगा, इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो फिर इससे अच्छा सम लेके आएंगे, उसमें और अच्छा से समझाएंगे। देख थोड़ा बहुत तो बाकी रह जाएगा ना, मेरा गलती से नहीं, आप लोग का लापरवाही से, उस लापरवाही को भी हम पूरा करेंगे। अगला क्वेश्चन में इस बार इतना समझाएं, अगला और कुछ जोड़ के समझाएंगे, हर वीडियो में थोड़ा थोड़ा समझते जाएंगे। दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, तो आप लोग अपने कॉलेज सर्कल में, कॉलेज के ग्रुप में ज़रूर इसका लिंक शेयर कीजिएगा।